फालतू भाट साहब। बाबा बेटे, मैं आप लोगों के बारे में ही सोच रहा था। पापा कैसे हैं आप? तबीयत कैसे है आपकी? और घर पे सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मार्ट साहब, ये वकील साहब राम कृपलानी जी हैं, ये हमारा केस लड़ रहे हैं। और तेरे को पता है, रोहान जी ने ऑफिस के सभी लोगों को थारे हक में गवाही देने के लिए कह दिया है। सबने घनी चौकी चौकी बातें कही है तारे बारे में। सब थारे से कितना प्रेम करते है ना ऑफिस में भी। मैंने भी हमेशा सबको ऑफिस में फैमिली की तरह प्यार किया है फालतू। मिस्टर मित्तल, एम्प्लॉयज की गवाही तो हम कोर्ट में देंगे, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा, तो गवाही सुनकर कोर्ट हमें थोड़ा वक्त तो दे सकती है, लेकिन रिहाई नहीं दे सकती। तो अगर हमें रिहाई चाहिए तो उसके लिए हमें सबूत इकट्ठा करना ही पड़ेगा। एक पेपर अगर आप साइन कर दें तो। मैं ये कोर्ट में सबमिट करा के आप लोगों को कॉल करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। फालतू, तुम ब्रिजभूषण जी से मिलने गई थी ना, क्या बात हुई? हम कोशिश कर रहे हैं यार, उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ, वो गांव चले गए हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी जानकारी नहीं मिली। इसका मतलब वो कनिक और तनीषा ने उन्हें भी खरीद लिया, जरूर उन्होंने ही ब्रिजभूषण जी को कहीं छुपाया है। लोग जानते ब्रिजभूषण अंकल हमारे हाथ लग गए तो वो फाइल्स, वो सबूत भी हमारे हाथ लग जाएंगे। पार्थ साहब, थारे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ भी करके वो फाइलें ढूंढ कर लाऊंगी। पहले उसके लिए मारे को किन्हीं भी हालातों से क्यों ना गुजरना पड़े, मैं सबूत लेकर आऊंगी, वरना थारे को अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाऊंगी। फालतू फालतू थैंक यू सो मच तनु, हमारी लंदन जाने की टिकट्स आ गई। नीलामी के नेक्स्ट डे हम लोग निकल रहे हैं, इसलिए जितना सामान तुझे रखना है रख ले। सिर्फ 2 दिन का टाइम है हमारे पास, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम इस घर से निकलते हैं, अपने घर चलते हैं और फिर सीधा लंदन। अच्छा देख, मैंने इस सीट के लिए कुछ ब्लैंक चेक्स साइन कर दिए हैं, वो जितना अमाउंट इनमें डालना चाहे डाल सकता है। ठीक किया ना मैंने? मॉम, क्या मैं वो फाइल्स घर वालों को दे दूं? उसमें आयान की बेगुनाही के सबूत है। तनु, मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ कि अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रूहान के साथ हमारी डील अभी पक्की नहीं हुई है, ग्रेस पीरियड चल रहे, ऑडिट्स किए जा रहे हैं, फाइल्स चेक की जा रही है, और इस बीच में मुझे कोई बेवकूफी नहीं चाहिए। तनु, तो क्या मैं आयान को जेल में सड़ने दूं? आई लव हिम मॉम, और आप है कि मुझे यहाँ से लेकर जा रही है। मॉम, अगर मैंने आयान की बेगुनाही के सबूत दे दिए तो उसे ये तो लगेगा कि जाते जाते मैं भी उसके बारे में सोच रही थी, और शायद उसके दिल से मेरे लिए नफरत कम हो जाएगी। तन्नू, आयान का चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो तेरे प्यार को कभी नहीं समझने वाली, और जो तूने उसके साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जितना जल्दी हो सके तू ये बात समझ जाएगी ना, उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा, तेरे फ्यूचर के लिए भी। अच्छा अब तो बता दे कि तूने वो फाइल्स कहाँ रखी है। देख, इतना तो मैं जानती हूँ कि तूने वो फाइल्स लाने के लिए ब्रिजभूषण को भेजा था, लेकिन अब ना तो वो गाड़ी मिल रही है और ना ही ब्रिजभूषण। कहाँ भेजा है तूने उसे? वो फाइल्स जहाँ भी है सेफ, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी वो नहीं मिलेगा। आप बस इतना जान लीजिए कि वो फाइल्स गाड़ी में है और सेफ है, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ कि आप अयान को कभी जेल से निकलने नहीं देंगे, और मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। सॉरी, मैं आप लोगों को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, वो आपका मैसेज देखा तो आया। हाँ सर, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ये कुछ ब्लैंक चेक्स तुम्हारे लिए साइन किए हैं, तुम जितना अमाउंट चाहो इनमें भर सकते हो। सर, तुमने हमारी बहुत हेल्प की, तो इसलिए प्लीज तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा वो एहसान चुकाने के लिए चेक्स तुम्हें दे रही हूँ। देखो, अब ये घर तुम्हारा नहीं होगा, तो इसलिए नया घर खरीदने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो जेब तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो अब तुम्हें अपना दुश्मन समझता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम
अपने लिए अलग से कुछ कर लो, बस इसीलिए। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप कहीं जा रहे हो। सब ठीक है ना? सर, वो मैं और तनु लंदन जा रहे हैं नीलामी के नेक्स्ट डे। व्हाट? तुम प्लीज ये रख लो। बाबा, ये लड़की खुद को जितना स्ट्रॉन्ग दिखाती है ना, उतनी है नहीं। अंदर से बहुत परेशान है फालतू। प्लीज संभालिएगा उसे, उसका ख्याल रखिएगा बाबा। बाबा, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस यू, एक बार मैं बाहर आ गया फिर हम लोग अपना नया बिजनेस खड़ा करेंगे, नया मार्ट बनाएंगे, उसे जे मार्ट की तरह ही सक्सेसफुल भी बनाएंगे। नहीं यार, वो पॉसिबल नहीं होगा। कनिका ने रोहन के साथ एक लीगल डील साइन किया है जहां पर साफ मेंशन किया गया है कि हम कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। और कोई बात नहीं बाबा, अब हम लोग साथ हैं ना, इतना काफी है मेरे लिए। हम लोग सब साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लें। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, आप बस फालतू का ख्याल रखिए। बहुत टूट गई है वो अंदर से, सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है उसे। वो सुनती कहाँ है? अब सबकी तरह उसे भी बस एक ही भूत सवार है तुम्हें यहां से निकालने का। बयान, हम बहुत खुश नसीब है जो हमें फालतू जैसी बहू मिली है। जी माफ कर दो, मैं तुम्हारे इस खूबसूरत रिश्ते को पहचान नहीं पाया। चलता हूं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। बाबा, मेरी चिंता मत करना। फालतू, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो होना ही पड़ेगा बाबा, मैं कुछ गलत ना होने दूंगी। तनु, मतलब तुम अपना फैसला नहीं बदल रही हो? Why are you doing this? Because I love you, Tanu. I love you. और ये प्रेम देकर मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है इस कॉन्ट्रैक्ट की शादी को असली बनाने का। तनु, I promise you, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस दुनिया में कोई भी नहीं जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करे। तनु, प्लीज तनु, प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तनु, प्लीज 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 तनु, प्लीज डोंट क्राई सर। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने हमेशा अपना प्यार निभाया, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और हम हमेशा दोस्त रहेंगे ना। लंदन जाने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ टच में रहूंगी, बट प्लीज ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए मत कहो मुझसे, ये मुझसे नहीं होगा। तनु, प्लीज प्लीज डोंट से दिस, प्लीज। क्या कर रही है? फालतू कब आएगी, उसे कॉल कीजिए ना। अरे बेटा, फालतू आ जाएगी। ले, तू पानी पी। और बेटा, तू रो क्यों रही है? फालतू ने कुछ किया क्या? शनाया जी, फालतू तुम कहाँ चली गई थी? फालतू, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था।
I was missing you. वो ना हमारे फोन की बैटरी मर गई थी, इसलिए मैं थारे से बात ना कर पाई थी। वैसे तो यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आई और रो क्यों रही हो, क्या हुआ? अब माँ दादी सा, ये रूहान सचदेवा की छोटी बहन शनाया जी हैं, और ये उनकी दाई माँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत लो फील हो रहा था, जब तक तुम साथ थी सब अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम्हारे जाते ही मन उदास हो गया और पता नहीं रोना आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना फालतू? नाना कोई परेशानी ना है। इस फालतू ने रूहान की बहन से कब फ्रेंडशिप कर ली? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में फालतू? सनाया बस बेटा, तुमने कहा था दाई माँ मुझे फालतू से मिला दो, तो मैं लेकर आ गई, अब मिल ली है ना फालतू से। फालतू को भी तो अपने घर में काम है, अब हम चलते हैं। हाँ अभी तो आइए ना ये काम करके, मैंने तो इससे बात भी नहीं की है, आप ले जाने की बात कर रहे हो। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटा। नहीं फालतू, मैं चल सकती ना तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में? चलो। What? रूहान ने खुद सभी एम्प्लॉई से कहा कि वो आयान के लिए टेस्टिमनी दे। मॉम। जी मैम, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर सच में ये उन्होंने किया है। अब थैंक यू सो मच, आगे भी रूहान जो भी करेगा आप मुझे बता देना। ये सडनली रूहान आयान के केस में इन्वॉल्व क्यों हो रहे? मॉम नीचे रूहान की सिस्टर आई है फालतू से मिलने के लिए, और हम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी पुरानी फ्रेंड्स हो। ये फालतू ना, ये पक्का कोई ऐसा चक्कर चला आ रही है जिसके बारे में हमें नहीं पता। फालतू ने जरूर रूहान को कुछ तो ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। कहीं रूहान को हमारे बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? अच्छा ही हो अगर उसे पता चल जाए, कम से कम आयान जेल से बाहर तो आ जाएगा, क्योंकि आप तो मुझे कुछ करने दे नहीं रही हैं। एक बार के लिए तन्नू, फॉर गॉड से तू एक बार के लिए इमोशनल फूल होना बंद करेगी? अभी तक रूहान के चेक्स भी क्लियर नहीं हुए हैं। अगर उससे पहले उसे हमारा सच पता चल गया तो आयान तो जेल के बाहर होगा लेकिन हम दोनों जेल के अंदर होंगे। तो अब ये तन्नू की मुझे प्लीज बता दे कि वो फाइल्स कहाँ है, ताकि मैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके थोड़ी चैन की सांस ले सकूं। नो मॉम, वो फाइल्स मैं कभी आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगी, नॉट अ चांस। अगर वो फाइल्स डिस्ट्रॉय हो गई तो हयान कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। तन्नू अगर वो फाइल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो हम दोनों जेल के अंदर होंगे, तो समझ क्यों नहीं रही? मैं तुझे फिर समझा रही हूँ तन्नू, आग से खेलना बंद कर दे, दिमाग से सोच। हम आज यहाँ का सारा नाटक खत्म करेंगे और यहाँ से लंदन जाकर एक नई शुरुआत करेंगे, तो प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान जा मेरी बात। इतना अच्छा खाना छोड़कर उसे नूडल्स क्यों खाने हैं? पता ना मो, पर अब मांग रही है तो मना तो ना कर सकते हैं ना, उसे नूडल्स खाना है तो उसे दे देते हैं। मुझे तो लगता है कि जनार्दन को भी उस लड़की का इस घर में आना अच्छा नहीं लगा, और मुझे भी अजीब सी लगी, कैसे रो रही थी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, और वो क्या कह रही थी फालतू, तुझे मिस कर रही थी, अजीब है ना, ये छोटी बच्ची है क्या? बच्ची समझ लीजिए दादी साहब, पता है उसे बिना एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना था, पर फिर एक एक्सीडेंट में उसकी कलाई टूट गई और अब वो बेचारी बल्ला तक ना उठा पाती, और उसी एक्सीडेंट में उसके बाबा भी चल बसे। जरा सोचिए इन सब का उसके दिमाग पर कितना गहरा असर हुआ होगा, शायद इसलिए वो इस तरीके से बर्ताव करती है। एक तो पहले इस घर में इतने सारे टेंशन है, आयान जेल में है, उसके भाई ने हमारी कंपनी खरीद ली, और अब उसकी बहन रोते रोते यहाँ हमारे घर तक पहुँच गई। आप लोगों को पता है उसका और उसके बाबा का सपना था कि उसकी फोटो अखबार में है, पर अब वो शायद कभी मुमकिन ना हो पाए, और ये बात शनाया जी भी अच्छे से जानती है। कितना बुरा लगता होगा ना उन्हें। अब मैं उन्हें ये देकर आती हूँ।
क्यों कर रही हो तुम ये सब? वो जो कुछ मांगेगी वो सब दोगी उसे? तुम अच्छे से जानती हो कि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम उस भोली वाली लड़की का दिल जीत लोगी, उसे अपनी मुट्ठी में कर लोगी? यही कारण है ना तुम्हारा इस झूठी हमदर्दी का? क्या बोल रहे हो थे? कुछ गलत कहा मैंने? क्या तुम रोहान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही? आखिर उसने तुम्हारा बिजनेस जो खरीद लिया है, इसीलिए तुम उसकी बहन को फंसाकर उसका फायदा उठाना चाहती हो? यही प्लान है ना तुम्हारा? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है आप? इस घर में कोई ऐसा नहीं है। देखिए काकी, मैं कुछ बोल ना रही हूँ उसका मतलब ये ना कि तुम्हारे मन में जो आता जाएगा बोलती जाओ। ये बात याद रखना, मैंने शनाया जी को यहाँ ना बुलाया, वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से आई। तुम्हारे को इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो ले जाइए उन्हें और वापस कभी मत लाना। मैं तो उनकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते कर रही, पर शायद तुम्हारे को भाषा समझ में ही ना आती। क्या हुआ फालतू, किसे क्या समझ नहीं आया? कुछ ना, है ये नूडल्स को? You are the best फालतू। देखा था इमा, मेरे एक बार बोलने पर बनाती है, पर आपसे बोलो तो 100 बहाने बनाते हो। तुम्हें पता है फालतू, मुझे कब से क्रेविंग हो रही थी नूडल्स की। All thanks to you, अब जाके सेटिस्फाई होगी। आराम से खाओ, उसके बाद घर भी तो जाना है ना। रोहान जी थारी कितनी चिंता कर रहे होंगे, थारी राह देख रहे होंगे। डोंट वरी फालतू, मैं भाई को बोल कर आई हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज यहीं पर रुकने का सोच रही हूँ। मैं और तुम खूब बातें करेंगे, कितना मजा आएगा। दाइमा आप प्लीज भाई को बता दो। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ घर चल रही। आप दोनों निकले वहाँ से? नहीं अभी नहीं निकले हैं। सनाया फालतू के घर में रुकने की जिद कर रही है। मैंने तुमसे कहा था ना इन दोनों की दोस्ती को ज्यादा बढ़ावा मत दो, पर नहीं सुनी मेरी। अब देखो क्या क्या जिद कर रही है वो। आप बस मुझे ये बताइए कि वो वहाँ खुश लग रही है क्या? हाँ खुश है, फालतू ने उसको नूडल्स बना के दिए हैं। खाने दीजिए, उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसका खाना हो जाए तो बता दीजिएगा कि मैंने बुलाया है। I'm missing her. भाई ये फालतू, मतलब इसका नाम फालतू। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई है फालतू। जब भी धारे को हमारी जरूरत पड़े ना, मैं यूं हाजिर हो जाऊंगी। हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, वो टूर्नामेंट खेलेंगे और फिर हम दोनों की बड़ी वाली पिक्चर लगेगी अखबार में। बहुत बढ़िया, ये क्या है अंग्रेजी में? वेरी गुड। अब घर जाकर आराम करो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए रेस्ट करना भी तो जरूरी हो गया है ना। अब मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है, मैं नहीं जाऊंगी। रोहान का फोन आया है, हमें घर चलना है, चलो तुम्हें घर बुलाए। अरे यार I'm so sorry फालतू, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ओके पक्का। ख्याल रखना, बाय। फालतू ये सब क्या था? वो औरत होती कौन है तुझे इतनी बातें सुनाने वाली? मेरा मन तो कर रहा था कि उसे इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं, पर घर आए हुए मेहमान से ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हम? अरे बस करो माँ, कुछ ना हुआ, शांत हो जाओ प्लीज। पर फालतू तुझे इस लड़की से दोस्ती करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पहले उसके भाई ने हमारी कंपनी खरीद ली, फिर उसकी बहन दोस्ती करने यहाँ घर पे आ गई, और उसकी दाइमा तुझे कितनी खरी खोटी सुना रही थी। मेरी बात मान बेटा, तू है ना इन लोगों से दूर रह। दादी साहब आप भी ना बिल्कुल मार्ड साहब जैसी बातें करते हो, बिल्कुल मार्ड साहब की दादी है। लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना तो कोई फालतू से सीखे। कभी पहले भाई को और अब बहन को फंसा कर इस घर तक ले आई हूँ। क्यों फालतू, सही कहा ना मैंने?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।